स्वास्थ्य कर्मी कोविड 19 जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पहले पायदान पर खड़े हैं, खासतौर से डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मी, जो कि पॉजिटिव मरीजों से सीधे संपर्क में आते हैं। ऐसे में कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें काढ़ा पिलाया जा रहा है। जोधपुर के एक दंपति डॉक्टर की ओर से कोरोना योद्धाओं के लिए काढ़ा बनाया जा रहा है। दोनों पति पत्नी सुबह शाम औषधियों से काढ़ा बनाते हैं और कोरोना के हॉट स्पॉट में तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों को पिलाते हैं। डॉक्टर अनुराधा शर्मा, जो खुद कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन कोरोना योद्धाओं को कोरोना की जांच से आंच से बचाने के लिए काढ़ा वितरित कर रही हैं। वायरस विश्व भर में फैला हुआ है। जोधपुर में भी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, नागौरगेट थाना और साथ ही शहरी क्षेत्र। इसमें कोरोना योद्धा लगातार पुलिस और निगम के कर्मचारी भी लगे और साथ ही मीडिया के कर्मचारी भी लगे, उनको इस वायरस से बचाने के लिए जोधपुर के एक डॉक्टर दंपति जो है ताजा काढ़ा बना के पिलाते हैं और सवेरे सवेरे उनके यहाँ रोज पुलिस के अधिकारी हो चाहे सिपाही हो, सारे यहाँ आकर काढ़ा लेके जाते हैं और अपने अपने थाना में लगे सभी कर्मचारी को पिलाते। देख सकते हैं आप, कर्मचारी जो काढ़ा पीते हैं वो अभी डॉक्टर दंपति बना रहे हैं, उनके साथ उनका बच्चा और दोनों बात करते हैं और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये जो काढ़ा बनाते हैं कितना उपयोगी हुआ है इस कोविड 19 में लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए? उदय मंदिर थाना, नागौरगेट थाना और महामंदिर थाना, आप इसमें किसी भी पुलिस जवान को, किसी सीआई साहब को पूछ सकते हैं, वो खुद इससे प्रभावित है। वो कह रहे हैं कि आपकी सेवा बहुत अच्छी सेवा है, हम इससे मानसिक रूप से भी फिट हैं और शारीरिक रूप से दिख ही रहा है उनका सिम्टम, आप इंटरव्यू ले सकते हैं उनका। और पिछले एक महीने से मैं ये काम लगातार कर रहा हूँ और माननीय मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा ये सरकार ने जो कार्य किया है। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है कि अगर हम मानवता की सेवा कुछ किसी प्रकार थोड़ा कर सकें तो हमारे बहुत अच्छा होगा। ये तो डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि ये जो काढ़ा बना रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बना रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जी हमारे साथ है, जो प्रमुख इस काढ़े को बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है, ये भी एक बहुत बड़े रोग से ग्रसित है, क्या मन में लेकर ये काढ़ा बना रहे हैं बात करें? मैडम, ये जो काढ़ा आप बना रहे हैं, आप भी एक बड़े रोग से ग्रसित है, क्या कहना चाहेंगे, ये सेवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जिस तरह से मैं खुद भी एक बीमारी से ग्रसित हूँ, एक कैंसर से पीड़ित हूँ, लड़ रही हूँ काफी टाइम से, और इस जो बीमारी है उसमें सबसे ज्यादा होती है कि इम्यूनिटी सबसे ज्यादा मेरी कम हो चुकी है और मेरे जैसे कई बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो जिस तरह से मैं खुद इसका सेवन कर रही हूँ 4-5 महीने से, तो हम लोगों के ध्यान में जैसे डॉक्टर मेरे डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा है जो कि मेरे हस्बैंड है, उनके और मेरे ध्यान दिमाग में ख्याल आया कि हम लोग जिस तरह से खुद लड़ रहे हैं, हम खुद इसका सेवन कर रहे हैं, खुद अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, तो आज जो कोरोना इतना फैला हुआ है उसमें जो कोरोना से ग्रसित लोगों की सेवा में हर दिन 24 घंटे जो तत्पर हैं, जैसे आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उन लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए कि वो लोग अपने खुद बचे रहेंगे तो शायद सामने वाले की इतनी सेवा कर पाएंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग सुबह शाम एक ताजा काढ़ा तैयार करें, क्योंकि वैसे पैकेट में बंद ठंडा एक पाउडर के रूप में काढ़ा मिलता है, लेकिन उसकी बजाय ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जो सुबह शाम ताजा चीजों से, ताजा मेडिसिन से तैयार हम लोग करते हैं, उन्हें हम गर्म करके उसे पिलाएं तो उससे काफी इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी और वो जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहें, खुद भी निश्चिंत रहें कि कोरोना से वो इतने संक्रमित नहीं हो पाएंगे, उनका मनोबल भी बढ़ता है इस चीज से कि हम लोग भी कुछ इस तरह का सेवन कर रहे हैं जिससे हम लोग खुद सुरक्षित रहते हुए सामने वाले को हम लोग ठीक कर सकें या उनकी किसी भी तरह से सेवा कार्य में हम भागीदार बन सकें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो काढ़ा है बड़ा इम्यूनिटी पावर में उपयोगी साबित हो रहा है और इसकी विधि हर जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी और हर सामग्री भी मिल जाएगी, ऐसे में सभी को चाहिए कि इस तरह का काढ़ा सवेरे सवेरे पी के अपने घर से निकले तो निश्चित ही सबका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। और जिस तरह से डॉक्टर अनुराधा और उनके हस्बैंड लगे हुए इस कार्य में, तो आप सभी को इस इन कोरोना वायरस को सलाम करती है A1 TV।